खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज का है, जहां पर सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू विवेकानंद दुबे द्वारा भद्दी भद्दी गालियों का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल मामला यह था कि लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात वार्ड बॉय अजय गुप्ता द्वारा जब अपनी मार्च की सैलरी के बारे में उनसे बात की गई, तो विवेकानंद बाबू ने उसे भद्दी भद्दी गालियां दी। महाराजगंज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जनपद महाराजगंज में बाबू के पद पर दशकों से कार्यरत विवेकानंद दुबे द्वारा लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात वार्ड बॉय अजय कुमार गुप्ता को गाली एवं हाथ पैर तोड़ने का ऑडियो वायरल हुआ। खबर से न्यूज चैनल को जब इसकी जानकारी हुई तो इसके तह तक जाने की कोशिश की। इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात वार्ड बॉय अजय कुमार गुप्ता से बात की, तो अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मार्च महीने का वेतन न मिलने के कारण जब मैं सीएमओ महाराजगंज से फोन पर बात की तो सीएमओ महाराजगंज ने बताया कि आप बाबू विवेकानंद दुबे से बात कर लीजिए, मैं सबका वेतन साइन करके भेज दिया हूं। इस संबंध में अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जब मैं बाबू विवेकानंद दुबे से फोन पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने पहले सीएमओ को गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिए, उसके बाद मुझे भी फोन पर गालियां दी और हाथ पैर तोड़ने की धमकी भी बाबू द्वारा दी गई। हेलो साहब, प्रणाम। प्रणाम, कह रहे हैं साहब हम लोग कॉलोनी पर्दी वाला सैलरी आया नहीं। तुमको इतनी मार मारेंगे तुम्हारा हाथ पर टूट जाएगा। कॉलोनी पर इसकी बिल आई है? हाँ साहब, कॉलोनी पर इसकी बिल आई है हमारे पास। साहब कहे सीएमओ साहब से बात हुआ, चुका है। सीएमओ साहब बोले हैं कि सिग्नेचर कर दिए हैं सबका। हाँ तो कर दिए तो उसकी बिल आएगी तब पाओगे, जब आ जाओगी साहब। साहब गाली क्यों दे रहे हैं साहब, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। नहीं तो तुम लोग क्यों फोन कर दो, तुम लोग पहले अपनी परिवार कहो कि हमारी बिल टाइम से क्यों नहीं भेजते हो। हम तो साहब फोन भी नहीं करते हैं, कितने दिन के बाद आप फोन किए हैं तो फिर आप गाली दे रहे हैं साहब। हाँ पानी पर कहो तुम साले की क्यों नहीं बिल टाइम से दे रहे, उसको साहब आप ही जब गाली दे रहे हैं तो उन लोग को हम लोग क्यों देंगे साहब। तो जब वो बिल नहीं देगा तो हम कहां तुम्हारे भुगतान करेंगे। तो सीएमओ साहब कहें कि बेटा सबका सैलरी पहुंच गया है, तुम लोग का क्यों नहीं पहुंचा है सिग्नेचर हम कर। हाँ तुम लोग का नहीं पहुंचेगा, सीएमओ साहब को बता दिया कि तुम लोगों का बिल होने पर इतना ही दिया है। तुम लोग पुलिस से क्यों नहीं करते, पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं झंडा उठाते हो। साहब ऐसा गाली मत दीजिए, ठीक है। हम लोग क्यों गाली देंगे, क्यों गाली देंगे साहब, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं टाइम से बिल आवनी पर्दी वालों के पास फोन करते हैं साहब, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग पहले वहाँ पे फोन करिए जो आपके वहाँ से। किससे सुनो तो कॉन्फ्रेंस करा दिया करो, अगर चाहते हैं तो कॉन्फ्रेंस करा दिया करो। ठीक है साहब, लेकिन गाली मत दीजिए साहब, हम आपको कुछ चाहते भी नहीं। हमारा नाम अजय कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर बड़हारा कनई है। अच्छा, कहाँ पर मौजूदा था, कहाँ पर आप तैनात हैं? अब हम CSC लक्ष्मीपुर में हैं, वार्ड बॉय के पद पे। तो किस तरह की घटना हुआ आपके? और इसे लॉकडाउन के माध्यम से पेपर में आउट हुआ था कि जितने भी कर्मचारी हैं वो संविदा पे हों या ठेका पे हों या संविदा पे हों, उन लोग का सैलरी मार्च का 30 मार्च के पहले आ जाना चाहिए। तो हम लोग का सैलरी अप्रैल 28 तारीख हो गया, बीत गया, सैलरी नहीं मिला। तो हम सीएमओ साहब के पास आज फोन किए थे, साहब हम लोग अवनी पर्दी कंपनी से हैं और हम लोग का सैलरी अभी तक आया नहीं। तो सीएमओ साहब बोले हैं कि बाबू आपका सैलरी के लिए हम बजट आ गया था, विवेका दुबे को हम सिग्नेचर करके दे दिए हैं और विवेका दुबे से आप बात कर लीजिए। विवेका दुबे के पास हम सर फोन किए हैं आज, तो विवेका दुबे साहब कह रहे हैं अभी मार के हथवा बढ़ाओ, तुम लोग का तुम्हारा तोड़ देंगे। क्यों फोन किए हो? तो हम कह रहे हैं कौन भोसड़ी वाला कहा है, तो हम कहें सीएमओ साहब बोले हैं कि आप विवेका दुबे से बात कर लीजिए। विवेका दुबे साहब के पास फोन किए तो गाली गुप्ता देने लगे हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं कि साहब क्यों गाली दे रहे हैं, आखिर में हम लोग भी तो काम करते हैं और ये है नहीं कि कहीं दूसरी जगह से पैसा हम लोग के पास आता है और हम लोग इसी के
सहारे तो हैं, इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं, घर पे भी नहीं जाते हैं, पैसा सैलरी नहीं आएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे। ये विवेका दुबे कौन है? ये विवेका दुबे महाराजगंज के बाबू हैं। अच्छा, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है? जी, और विवेका दुबे जो है बजट बजट वही बजट के लिए वही डिमांड करवाते हैं जी। और पुनीत भाई, पुनीत जी हैं तो विवेका दुबे कह रहे हैं कि पुनीत के पास क्यों नहीं फोन करते हो, तो पुनीत साहब से बात हुआ था तो पुनीत साहब कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले हम विवेका दुबे को दे दिए हैं, अब विवेका बाबू से आप मिल लीजिए। मतलब विभाग के बाबू द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? विवेका दुबे जी, विवेका दुबे जी। तो इस हाँ सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज साहब हम सैलरी के लिए फ़ोन किए, तो मान लीजिए कल के लिए ये लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे पेट पे लात मार सकते हैं, कहेंगे ये शिकायत करता है, इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। साहब इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि पेपर में आउट करवाए थे कि सैलरी सबको मिलना चाहिए, तो हमारी बात श्री योगी जी के पास जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हम मान लीजिए हम लक्ष्मीपुर के हैं, हमको गाली दे रहे हैं, परतावल के स्वीपर कम चौकीदार रहेंगे उनको भी गाली देंगे, आज हमारे ऊपर हमको गाली दी है, कोई कार्रवाई नहीं होगा तो फिर उनका मन बढ़ जाएगा सर, ऐसा ऐसे ही दूसरे को गाली देते रहेंगे। और सर हम लोग ये भी बात नहीं है काम नहीं करते हैं सर, हम लोग काम करते हैं, हमारे पेट से लात मार सकते हैं, हम लोग के लिए सर पेट तो है। मान लीजिए साहब हम लोग ये हम गाली दिए हैं, इसको रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो कल ये भी कह सकते हैं कि इसको बाहर निकाल दीजिए या कंपनी में शिकायत करवा के हमको निकलवा सकते हैं। सर आपके अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय का आरोप है कि आपके ही विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, उनके तर्जनों में आप क्या कहना चाहेंगे? जी वो वीडियो मेरे पास भी आई है, मैंने वो सुना है, वो सीएमओ साहब को भी भेज दिया कि सर ऐसी ऑडियो आई है अपने पास। तो हम लोग का काम सिर्फ मेरे यहाँ दो अवनी वर्दी के लोग हैं, एक अजय कुमार गुप्ता एक महेश, तो दो एक वार्डवा है एक सुपर कम चक्र स्वीपर है। इन लोगों का हम लोग को हर महीने 1 से 30 तारीख तक अटेंडेंस वेरीफाई करके सीएमओ स्तर पर भेज दिया जाता है, सीएमओ स्तर से वो उनका अटेंडेंस फिर अवनी वर्दी को भेजा जाता है, अवनी वर्दी से जब उनके पास पेमेंट का जो कॉपी सीएमओ स्तर प्राप्त हो जाता है बजट की कॉपी, तो सीएमओ स्तर से पेमेंट बना के उनके ट्रेजरी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। तो ऑडियो मिली है, ऑडियो हमने सुना है, ऑडियो को हमने सीएमओ स्तर से भेज दिया है, उसको सीएमओ स्तर बता दिया है सर ऐसा है, आप इस पर देख लें, इस पर जो भी कार्रवाई आप लोग करना हो क्या करने का प्रॉब्लम उनको बता दिया। सर ऑडियो में क्या है, इस तरह की ऑडियो में काली उसमें दिख रहा है कि काली का कुछ अपशब्द का प्रयोग है, पर उसमें उन्होंने औनी पर्दी वालों को भी ले रहे हैं और पर्टिकुलर जो बात करने वाला है उसका वो भी बात कर रहा है, औनी पर्दी की भी जिक्र, औनी पर्दी में ये काम करते हैं, अब ये औनी पर्दी के जो मेन मालिक जो लखनऊ में बैठे हैं उनको कर रहे हैं, इसको क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए हमने उसको उनको सीएमओ साहब को भेज दिया है, वहाँ से सर जो भी निर्णय लेंगे जो भी कार्रवाई तो सीएमओ स्तर से ही हो पाएगी, हमारे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं। सर बताना चाहेंगे किन महोदय द्वारा गाली का प्रयोग किया गया, कौन क्या नाम है? आवाज में तो जो हमारे जो बनाते हैं काम उन्हीं का आवाज लग रहा है, फिर भी हमने उसको क्लियर करा लिया जाए कि सीएमओ स्तर साहब के सर एक आवाज किसका है उसके हिसाब से ही कर पाएंगे। पीड़िता का आवाज़ विवेका बाबू का बोल रहे हैं तो सीएमओ साहब को मैंने भेज दिया है, सीएमओ साहब उसको वेरीफाई कर लेंगे कि आवाज़ किसका है, उस हिसाब से जो कार्रवाई करना हो करना पड़ेगा। पहले इस बात का निंदा करता हूं कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी बाबू से अपनी सैलरी मांगता है, अपना मेहनताना मांगता है, तो इसको गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
मैंने भी वो ऑडियो सुना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जिस बाबू ने भी इस वार्ड बॉय को अब शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। मैंने भी सीएमओ साहब से भी बात किया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। अगर सीएमओ साहब ये प्रकरण सही है, वार्ड बॉय को गाली दिया गया है, अगर सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सभी एनएचएम कर्मी इस वार्ड बॉय अवनी परिधि के साथ हैं और मैं इस वैश्विक महामारी में हम लोग कोई भी तरह का आंदोलन या कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये देश का मामला है, हमारे देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का दुर्व्यवहार या गाली गलौज शब्दों का प्रयोग कोई करेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए और हम पूरी तरह से अपना कार्य ठप कर देंगे अगर सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से सीएमओ साहब से फिर आग्रह करूंगा कि इस बात के पूरी प्रकरण की जांच करें, अगर जो दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। इसको सीएमओ साहब को अवगत करा दिया? हाँ, मैंने सीएमओ साहब से आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकरण की जांच करता हूँ, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। ऑडियो में क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है या सुना गया है? हाँ, ऑडियो में आप शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जी। जैसा कि कैसा कैसा आप शब्दों का आप शब्दों का प्रयोग तो चैनल के माध्यम से पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है क्योंकि उस चीज को मैं भी नहीं दोहराना चाहता हूँ कि किस तरह का शब्द किया गया प्रयोग किया गया। आप लोगों के पास अगर ऑडियो हो तो आप खुद सुन सकते हैं उसको। प्रयोग तो आप शब्दों का किया गया है, अब किसके लिए किया गया है सीएमओ साहब से बात हो गई है, सीएमओ साहब से उस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। ऑडियो में ऐसा क्या मतलब ये कौन दिया है कुछ जानकारी मिल सकता है? किन की आवाज है या कौन गाली दिए हैं? नहीं, आवाज तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ किसकी है, लेकिन चूंकि वार्ड बॉय ने बताया है कि विवेका बाबू की ये आवाज है जी।